ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप लोग सातों के सातों दिन हमारे साथ एंजॉय कर सको गणेश चतुर्थी के। जब गणेश जी घर आते हैं तो क्या क्या करते हैं और क्या क्या कितने मज़े आते हैं। सो कल का दिन आज आपको वीडियो मिल जाएगी, कल की जो हम गणपति जी को लेके आए थे वो आज आपको वीडियो मिल जाएगी। और आज की ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। सो अभी मैंने भोग में जो बनाया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने गणेश जी के लिए भोग क्या बनाया है। और अब हम सब लोग जाएंगे नीचे आरती के लिए। सो आरती की भी वीडियो आप लोग देखना कि हम लोग यहाँ पर कैसे आरती करते हैं, क्योंकि यहाँ मुंबई कर जो है उन लोगों को तो सब कुछ पता है क्योंकि वो लोग तो यही आरती करते हैं, लेकिन जो हमारे दिल्ली मेरठ साइड के लोग हैं उन लोगों को नहीं पता कि हाँ गणेश जी आते हैं तो वहाँ पर हिंदी आरती होती है और यहाँ पर होती है मराठी आरती। सो हम लोग भी मराठी आरती ही करते हैं। सो आप लोगों के साथ पूरी वीडियो करूँगी, शेयर ब्लॉग को एंड तक देखना और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइस ये है भोग की थाली, इसमें हमने बनाई है पूरी, राइस, बैंगन की सब्जी और ये है सिमाई और ये है आलू की जो चोखा टाइप सब्जी होती है वो की भोग की थाली। फिर हम लोगों ने की आरती। सो आरती मैं पूरी आप लोगों को दिखा सकती हूँ, मतलब दिखाई मैंने पूरी है बट मैंने पूरी आरती की वॉइस नहीं डाली है क्योंकि आरती जो होती है वो कुछ 12 13 15 मिनट की होती है। सो वीडियो हो जाती बहुत लंबी तो मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि मैं एडिट कर पाऊँ क्योंकि घर के सारे काम और ऊपर से गणपति जी हैं। तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि पूरा दिन कहा तो मेरे पास उतना एडिटिंग का भी टाइम नहीं होता है, इसलिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने जो जो मैं दिखा पाई मैंने वो आरती में दिखाया है। तो गाइस पूजा वगैरह हो गई है और खाना वाना भी हो गया, भगवान जी को दीपक चढ़ाया, उसके बाद हम लोगों ने सबने खाना खाया और अब मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन क्योंकि दो दिन
कल का तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला गया था। सुबह से सुबह उठे, फिर हमारा जो मंडप वगैरह था हनुमान जी का, वो भी प्रॉपर हुआ नहीं था, क्योंकि जो बनाने वाले थे, जो मंडप बनाते हैं, उनको बहुत टाइम इधर उधर जाना पड़ गया था, तो नहीं बन पाया। इस वजह से फिर उन्होंने मॉर्निंग में आके हमारा मंडप वगैरह लगाया। फिर उसके बाद हम लोग गए, 12 बज गए थे हम लोगों को गणपति जी को लाने के लिए। फिर 12 बजे हम लोग गए, गणपति जी को लेकर आए, फिर स्थापना वगैरह हुई। तो स्थापना होते होते, स्थापना की जो पूजा होती है वो इतनी लंबी हुई थी कि पूजा ख़त्म होते होते ही हम लोगों को 5-6 बज गए थे। फिर हम लोगों ने दोपहर का खाना क्या, हम लोगों ने डायरेक्ट रात का ही खाना खाया था। सो अब आज तो 12 बजे, अभी हमारा सब हो गया है, खाना पीना, भगवान जी को निवेद वगैरह, और बस अब मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन और फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि गणपति जी जब घर आते हैं ना, तो सच में गाइज आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ कि सच में ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे घर में कोई गेस्ट आए हैं। और पूरा दिन कहाँ चला जाता है कुछ नहीं पता चलता, बिल्कुल भी वक्त का अंदाज़ा नहीं होता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। सुबह जो उठते हैं ना 8 बजे 7 बजे, जो भी टाइम पे उठो, आप पूरा दिन कहाँ चला जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अभी तो बजे हैं 1:30 बज गया है शायद, क्योंकि 12 बजे तो लोगों ने आरती ही की थी। और अब बस मशीन लगाऊंगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे टाइम मिला तो, और फिर बनाएंगे शाम का निवेद वगैरह। तो शाम को निवेद क्या बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो वीडियो आप लोग पूरी देखना प्लीज। गुड इवनिंग गाइस, अभी सो के उठे ना, बस इसी मूड में ना, बजे है शाम के 6, पीएंगे चाय और फिर बनाएंगे भगवान जी का निवेद। सो लेट्स, बस अभी उठे हैं, चाय वगैरह पियेंगे, फिर बनाएंगे भगवान जी का निवेद। तो मैं आपको दिखाऊंगी निवेद में हमने क्या बनाया है। शाम की आरती। तो गाइज ये है शाम की निवत की थाली, इसमें है पापड़, राइस, ये जो प्राउट्स होते हैं मिक्स, उनकी सब्जी, आलू मटर की सब्जी, ये है श्रीखंड, ये है पूरी, ये है पूरी थाली। गाइज बजे हैं अभी 8:30 और बस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे आरती के लिए। सूरज जी ने बना दिया है सारा निवत, 3-4 दिन से रजनी की लगी है ड्यूटी, क्योंकि निवत मैं अभी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि गणपति जी आने के टाइम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि घर में एक जन ऐसा हो जाता है कि नहीं बना सकता। सो अभी मेरी प्रॉब्लम है, अभी 2-4 दिन से रजनी बना रही है, तो अब कल से बनाऊंगी मैं। तो मैं कल की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अब डेली व्लॉग आप लोगों को मिलेगा। सो अभी बस थोड़ी देर में जाएंगे नीचे और करेंगे आरती, मिलते हैं नीचे। प्रसाद। सो गाइज हम लोग आ गए हैं ऊपर, शाम की भी आरती हो गई है और बज गए हैं रात के 9:30। सो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। सो ये वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगी और कल की वीडियो मिलेगी परसों, तो अब आपको डेली वीडियो मिलने वाली है। सो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। सो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।